हम अपनी पार्टी है। अरे एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। आप जानते हो ये कौन है? मित्राज आम आदमी पार्टी ईशुदान गटवी। क्या उम्र है आपकी? आठ। आठ साल के हो आप? अच्छा अच्छा, ये बताइए बच्चों के बीच में हमको लग रहा है लोकप्रियता है, ये पता नहीं पहले से तैयार था या आपने रेडी रख करके रखा है? नहीं, लोगों का प्रेम है बेसिकली। मैंने कहा कि लोग मैं राजनीति में आया क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि कुछ करेंगे मेरे लिए, और लोग टीवी पे देखते थे, आवाज उठाते थे, तो ये चीज हर गांव में जाता हूँ। हर गांव में 100 से 150 मेरे इतने चाहक होते हैं जो खुद मन्नत रख कर बैठे हैं। मैं भी चोटीला के पास एक गांव में चाय पीने के लिए उतरा तो मुझे देख गए लोग, अरे ईशुदान भाई अच्छा हुआ आपने आया, मैंने मन्नत रखी है कि आप जब हम मन्नत रखी है मेरे लिए, और पूरा गाँव एक नहीं, तो ये लोगों का प्रेम है। नहीं, पर इस पूरे चुनाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी को एंटी हिंदू पार्टी दिखाने के तौर पे काम कर रही हो, जगह जगह पे पोस्टर भी लग रहे थे आपके बताने के लिए कि बेसिकली ये एंटी हिंदूवादी पार्टी। देखो लोग देखते हैं, लोगों को पता है, और दूसरा कि मैं जो चारण गढ़वी कम्युनिटी से आता हूँ, ओबीसी, काफी कविता भी करते हैं आपकी कम्युनिटी के लोग। हाँ, कविता करते हैं और माँ देवी पुत्र कहलाते हैं, माता जी के पुत्र। मान लो कि जो भी कुलदेवी जिसकी भी होती है वो जन्म हमारे कुल से लेती है, चारण कुल से, गढ़वी कुल से। अब देख लो, मैं लेउआ पटेल समाज की माँ खोड़ियार माँ है, तो वो वैसे हमारे चारण की है। हाँ, चारण की दे, तो माता जी तो सबकी होती है। ये कामई माता जी हमारे सालों पहले, कामई माता जी यहाँ मतलब कि रहती थी, 500 साल पहले की कहानी है। 500 साल पहले माता जी ने ये शक्ति थी जो यहाँ रहती थी, फिर माता जी हो गई और हम सब इसको पूछते हैं कामई माँ के। तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरे गांव में बाहर से, तो रात का 3 भी बजेगा तो भी माँ कामई माँ के यहाँ आऊंगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी ईश्वर ने, माता जी कामई माता जी ने मुझे जो बहुत कुछ दिया है, मेरी औकात से 1000 गुना ज्यादा, इसी की बदौलत है। जब भी मैंने कोई भी चार्ज लिया, मतलब मैंने ट्रेनिंग रिपोर्टर से सीधा मैं असिस्टेंट ब्यूरो चीफ बना, फिर ब्यूरो चीफ बना, फिर यंगेस्ट एडिटर इन चीफ बना, तब पहले अंबाजी और माँ कामई माँ के मंदिर दोनों में मत्थे टिकता हूँ, फिर चार्ज लेता हूँ। तो ये सालों से मेरी चलती आई है, और माता जी की इतनी कृपा है कि मैंने कभी भी मुझे मुश्किल में होता हूँ मैं, तो माँ का नाम ले देता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। आज तक मुझे कोई तकलीफ पड़ी हो ऐसा मुझे नहीं। पर जैसे कांग्रेस कर रही थी पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति, आपने भगवान कृष्ण का जिक्र किया, तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी उसी तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही है बीजेपी के हिंदुत्व के खिलाफ। मंदिर में मैं तो सालों, मैंने कहा कि मैं तो माता जी ने मन्नत रखी थी, मेरे माँ बाप ने, और माता जी कामई का मैं दिया हुआ हूँ। हमारे लिए सर्वस्व माँ है, देवी पुत्र कहलाते हैं, दूसरा भगवान कृष्ण है द्वारकाधीश। हर साल हमारे पूरा परिवार द्वारकाधीश के दर्शन जाता है। पूरे चुनाव में आप मुस्लिम वोट्स को किस तरीके से देखते हो? क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट जैसे हमेशा रहा है कांग्रेस के साथ, इस चुनाव में भी उन्हीं के साथ रहने वाला? देखो, सबको काम की राजनीति चाहिए। मैं जन्म लिया एक अब चारण गढ़वी समाज का, मैं पत्रकार था, तो क्या मैं एक की कम्युनिटी का आवाज उठाता था? नहीं, आप पत्रकार हैं तो सबका पत्रकार, किसी की ज्ञाति जाति का नहीं होता है। इसी तरह राजनीति में भी सबको अच्छा होना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। भगवान राम ने कहा है वाल्मीकि रामायण में कि राजा वही है जो छोटे से छोटे गरीब को भी, वो पिछड़े के पिछड़े लोगों के लिए भी सेवा करे, उनके लिए अच्छा करे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बिजली फ्री होती है, 300 यूनिट जब होगी 1 मार्च से सरकार बन गई माता रानी की कृपा से, तो सबके घर बिजली फ्री होगी, सब किसानों को दाम मिलेंगे, सब किसानों को बिजली मिलेगी कहीं पे। ये पॉलिटिक्स अभी तक इतनी गंदी थी यार, गंदी है कि ये लोग क्या करते हैं, आप इस कास्ट के हैं, आप उस कास्ट के हैं, आप इस धर्म के हैं, इसलिए देखो इंसान बनो और सबके लिए काम करना है हमें। ईश्वर की 2 चीजें मुझे बहुत पसंद है, एक वो कभी भी पूछता नहीं है कि मैं कब आपको लेने आऊं, और दूसरी चीज
एक सोई चेतनी चीज भी आप ऊपर लेकर नहीं जाते हैं। तो क्यों भाई, ये क्यों, किसके लिए झगड़ा करते हो? परमार्थ ने अगर परमार्थ के लिए काम करने के लिए ईश्वर आपको निमित्त बनाता है तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है और ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अच्छा ये राहुल भाई, कामई माता जी का मंदिर है, जो भी आप मन्नत मांगोगे माँ पूरी कर। अभी क्या मन्नत मांग रहे थे? देखो मैंने तो नहीं नहीं मैंने तो मेरी तो माँ है, मुझे तो माँ ने हजार गुना ज्यादा दे दिया। मैं तो एक सामान्य किसान परिवार से, लेकिन अगर सरकार बनती है, मैं मुख्यमंत्री बनता हूं, तो अंबाजी माँ और माँ कामई माँ के दर्शन में आने वाला हूं। जब भी मैंने अभी आप छोड़ी सरकार बनाने की मन्नत मांग रहे हो कि मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन बना दो, ये मन्नत मांग रहे हो आप? नहीं, सरकार बनेगी तभी अच्छा कर पाएंगे लोगों का। अब देख लीजिए, मैं आवाज उठाता था पत्रकारी में तब लीडर ऑफ अपोजिशन से ज्यादा तो मैं था। आप देख लेना, यहाँ इतिहास साक्षी पूछ लेना, मेरे शो देख लेना। तो ये क्या है कि सरकार बनेगी तो किसानों के लिए ऑर्डर करेंगे कि कर्जा माफ है आपका 2 लाख, सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारों की भर्ती निकालेंगे बिना पेपर लिए, सरकार बनेगी तो हम कर्मचारियों के पगार भत्ते बढ़ाएंगे, सरकार बनेगी तो हम करप्शन खत्म करेंगे। तो देखो, और मुझे माँ पे पूरा विश्वास है, यकीन है कि आप भी, मतलब आपको भी, जो भी लोग आए यहाँ, अगर कामई माता जी के मंदिर पे मत्था टेक कर जो भी मांगता है, माँ उसकी इच्छा पूर्ण करती है।